छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फंस जाने के कारण छत्तीसगढ़ में कोई भी रिक्वायरमेंट जारी नहीं हो रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में स्वास्थ्य विभाग से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है, 1032 पदों के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 1032 पदों के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू होने वाली है। ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में होगी, ना कि रेगुलर कर्मचारी के रूप में। इसके लिए वेतन दिया जाएगा 12,000 के आसपास, इसके लिए लगभग वेतन रहेगा। और ये जो भर्ती होगी ये पूर्णतः अस्थायी तौर पर होगी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में होगी। इसके लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए जो जानकारी है वो दैनिक भास्कर की न्यूज़ पर दिया हुआ है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जारी होगा, जो पोस्ट जारी होगा, वो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद रहेंगे, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रहेंगे, आया वार्ड बॉय इस प्रकार के पद रहेंगे, जो कि चतुर्थ और तृतीय वर्ग श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के पदों के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, तो फिलहाल के लिए इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो जॉब है वो अस्थायी रहेगा, अनियमित रहेगा, क्योंकि इसमें जो नियुक्ति होगी वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में होगी। तो अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।